वेलकम एवरीवन। तो आज ये सिंगल डोर गोदरेज कंपनी फ्रिज का गैस चार्जिंग करेंगे। तो गैस चार्जिंग करने के लिए क्या क्या बात ध्यान में रखना होता है वही स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो ये फ्रिज में लगा हुआ है गोदरेज कंपनी का ही कंप्रेसर, और ये कंप्रेसर में जो गैस चार्ज होगा वो R134A। तो पहले जो है ये ड्रायर को कट कर लिया। ड्रायर को कट करने के बाद नया ड्रायर यहाँ पर ब्रेजिंग करेंगे। तो ब्रेजिंग करने के बाद फिर देखेंगे क्या क्या करना पड़ता है। तो गैस जब भी फ्रिज में चार्ज करना होता है तो ये ड्रायर को चेंज ही कर देना अच्छा होता है। काफ़ी सारे लोग जो है ड्रायर को चेंज नहीं करते, और ड्रायर चेंज ना करने से बारीकी से वो फ्रिज जो है वो चोक करने लगता है। तो ड्रायर को अच्छे से ब्रेजिंग कर लिया, फिर ठंडा होने देंगे। देखिए अच्छे से ठंडा होने के बाद वो देखेंगे, ये जो है पुराना वाला ड्रायर है, ये ओरिजिनल कंपनी का ही ड्रायर है। तो अभी जो है कैपिलरी के अंदर एंटी मॉस डालेंगे। तो एंटी मॉस डालने के टाइम में एक प्रॉब्लम का सामना किया। तो प्रॉब्लम जो है ये कैपिलरी फुलफिल ब्लॉक हो चुका है, ये कुछ भी सक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अभी क्या करेंगे, ये जो सक्शन लाइन है सक्शन लाइन डिसकनेक्ट करेंगे। डिसकनेक्ट करने के बाद ये कैपिलरी का जो ब्लॉक है वो ब्लॉक हटाने का कोशिश करेंगे। अगर हटे तो सही है, और ना हटे तो ये कैपिलरी फुल चेंज करना होगा। ठीक है, तो दूसरा कोई टेक्नीशियन पहले भी ये फ्रिज में गैस चार्जिंग किया था, तब ये ड्रायर जो है चेंज नहीं किया था। वो ड्रायर चेंज ना करने से ही ये कैपिलरी का ब्लॉक प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर देखा जाता है। तो इसीलिए बोला कि ये गैस चार्जिंग के टाइम में ये ड्रायर को चेंज कर देने से ही अच्छा ही होता है। तो सक्शन लाइन का पाइप जो है डिसकनेक्ट कर लिया। अभी जो है एक कैपिलरी का ब्लॉक प्रॉब्लम है वो हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ब्लॉक का प्रॉब्लम जो है वो हटा नहीं, और ये कैपिलरी मुझे चेंज करना पड़ा। और चेंज करने का वीडियो जो है वो नहीं कर पाया, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पे नया कैपिलरी जो कनेक्शन किया, नया कैपिलरी डाला यहाँ पे अच्छे से कैपिलरी के ड्रायर के साथ एक कैपिलरी ब्रेजिंग करेंगे। ब्रेजिंग करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अभी देखिए यहाँ पे सक्शन लाइन का पाइप जो है वो अब जो है ब्लॉक, कोई कुछ भी ब्लॉक नहीं है, अच्छे से वो सक्शन हो रहा है। ठीक है, और अभी सक्शन लाइन का पाइप जो है वो भी ब्रेजिंग करेंगे, कनेक्शन करेंगे। अच्छे से ब्रेजिंग करना होगा, कुछ भी लीकेज वगैरह नहीं रहना चाहिए। अगर लीकेज रहेगा तो गैस चार्जिंग करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और डिस्चार्ज हो जाएगा फिर से। तो ब्रेजिंग जो है अच्छे से करेंगे। ब्रेजिंग करने के बाद वैक्यूम करेंगे अच्छे से। वैक्यूम करने के बाद गैस चार्जिंग करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। तो मुझे मालूम है गैस चार्जिंग का तरीका जो है फुलफिल स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने नहीं पाया, लेकिन कुछ बेसिक आइडिया आपको दे देंगे वीडियो के अंदर। आप वीडियो पे बने रहिए, कुछ बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है वैक्यूम करेंगे अच्छे से, और वैक्यूम कुछ 10-15 मिनट से लेके करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हीट करेंगे कंडेंसर को, और एक कंप्रेसर को थोड़ा थोड़ा करके हीट करके अच्छे से वैक्यूम कर लिया। और अभी गैस को धीरे धीरे चार्जिंग करेंगे। पहले थोड़ा ऑन गैस को खोल देंगे, फिर ऑफ कर देंगे। और कंप्रेसर का वैक्यूम जो है वो बिल्कुल अच्छे से करना होगा, और जितना ही अच्छा वैक्यूम होगा उतना ही अच्छा होगा फ्रिज के लिए। ठीक है, तो जितना टाइम लगे उतना टाइम लेके धीरे धीरे करके वैक्यूम करना होगा। और अभी क्या करेंगे, गैस चार्जिंग करेंगे। गैस को पहले कनेक्ट कर लिया वो गैस मीटर के साथ कनेक्ट करके, फिर थोड़ा थोड़ा करके गैस को खोलेंगे, फिर मीटर से भी खोल देंगे, फिर ऑफ कर देंगे। ठीक है, फिर जो है कंप्रेसर को ऑन करेंगे। तो गैस चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए, ऑन बाय ऑन करके आपको दिखाएंगे। और गैस जो है यहाँ पे एक ही बारी में चार्ज नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऑन करेंगे, और फिर चेक करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे। ठीक है, कंप्रेसर जो है वो ऑन ही रहेगा, और गैस थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करेंगे। पहले थोड़ा देंगे, फिर जो है कंप्रेसर का हीट चेक करेंगे, कंडेंसर का हीट चेक करेंगे, कहीं पे लीकेज वगैरह है कि नहीं वो भी चेक करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके गैस मीटर के मदद से वो देखेंगे। और यहाँ पे ठंडा होने लग रहा है, हाथ जो है चिपकने लग रहा है। ठीक है, देखिए
तो यहाँ पे गैस चार्जिंग का पूरा प्रोसेस जो है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।